नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा था उसे आगे लेकर के हम, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी गणित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा था आपका एक्सरसाइज 7.1 कक्षा 10 की एनसीईआरटी में। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था, सेकंड पार्ट आप देखेंगे, क्लास को एंड तक देखना, बहुत ही दिल लगा के देखना। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि दो बिंदु कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा था तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से उसे देख लीजिएगा। कोई प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा। चलिए, ये दूरी निकालने का सूत्र होता है, अगर कोई दो निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं तो आप इनकी सहायता से इनके बीच निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सेकेंड पार्ट ये, बिंदु दिया गया है के बीच की हम दूरी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स वन वाई वन, इसका मान हो जाएगा यक्स टू वाई टू। ध्यान देना, मान इसमें लाके सारे रख देंगे। एक्स टू का मान क्या रखेंगे, माइनस वन, और माइनस एक्स वन का मान रखेंगे, देखो बेटा यहाँ ध्यान देना, माइनस पाँच है, बीच में सूत्र में माइनस है, ठीक है, लेकिन इसका मान भी क्या है, माइनस ऐसे कुछ है, तो हमें इसको एडजस्ट करना है, इसलिए हम ये बड़ा कोष्ठक लगा समझते। चलो एक्स टू का मान क्या था, माइनस वन था, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्ठक में और बंद कर भाई, थोड़ा अच्छा गंदा ऐसा इसलिए लगा रहे हैं जिससे अंतर थोड़ा सा। और एक चीज और समझ, ये बाहर से कोष्ठक लगेगा, स्क्वायर अंदर में मत लगा। अगला देखो वाई टू, वाई टू का मान तीन है और माइनस वाई वन, वाई वन का मान सात है, तो जो प्लस है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस घट जाएगा तब भी ये प्लस में ही आएगा, फोर, यानी फोर का स्क्वायर बचेगा और ये माइनस फोर का स्क्वायर बचेगा। जरा ध्यान से समझना, ये चार चौका सोलह हो जाएगा और ये भी सोलह हो जाएगा, दोनों फाइनल में बत्तीस हो जाएंगे, और जब बत्तीस का आप वर्गमूल निकालोगे, आप सबको पता है कितना आएगा, आगे निकाल के मुझे बता दो, 4 × 2 आएगा ना, कर लेना और फिर मुझे। इस तरह से आपका सेकंड नंबर पार्ट भी हो गया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तीसरा ध्यान दीजिए, और क्लास को लाइक नहीं करे तुरंत कर दो बाबू फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिससे फ्री पढ़ सको घर बैठे तुरंत। अगला इसका तीसरा पार्ट देखिए, और तीसरा पार्ट करने के बाद आपका ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, ए बी और माइनस ए माइनस बी क्या करना है हमें, ये सूत्र होता है कि आपके सामने, इसमें क्या करते हैं बच्चा, तो यक्स वन मानेंगे वाई वन, ध्यान देना ये यक्स टू वाई टू, मान रख दीजिए एक्स टू का मान माइनस माइनस एक्स वन, वन का मान क्या है यहाँ से, और ये होल स्क्वायर वाई टू, वाई टू का मान माइनस और माइनस वाई वन, वाई वन का मान यहाँ से क्या है प्लस बी, तो ध्यान देना बीच में माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगाया और बी की जगह पे बी, ये होल स्क्वायर। बस कहानी, ये जुड़ जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस ए का जब होल स्क्वायर करोगे तो फोर ए का स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये फोर बी का होल स्क्वायर, और कुछ तो मुझे नहीं लगता कि होगा, अगर कुछ लग रहा है तो बता दो आप। अब ये जुड़ेगा नहीं कभी भी, इनमें एक काम हो सकता है, फोर कॉमन हो सकता है, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन सकता है, ए का स्क्वायर है देन बी का स्क्वायर है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी फाइनल आंसर आपके सामने है। अब देखो थोड़ा सा अगला स्टेप, वैसे दूरी ही निकालना था, इतना कुछ करना जरूरी नहीं, आप इसे सीधा सीधा छोड़ दो जैसे था, बस कुछ मत करो, ये भी ना करो, इसे सीधा सीधा छोड़ दीजिए।
हमने क्या किया, इसमें फोर कॉमन ले लिया, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर बच रहा है, तो ऐसे हम छोड़ देंगे बस। ऐसे क्यों छोड़ देंगे आपको पता है, ऊपर वर्गमूल लगा है। अब इसको ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, एक स्टेप अगर चाहो तो और कर लो, लेकिन जो हम इसको होल स्क्वायर कर रहे थे ऐसा कुछ करना है, सिर्फ दूरी निकालना, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा इसे और आसान शब्दों में कर दीजिए, आप एक काम और कर सकते हो, ऊपर लाइन में मैं यहाँ लिखूँ अगर, तब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, समझना, फोर इंटू ए का स्क्वायर धन करनी हो, फोर का वर्गमूल निकालेंगे तो दो हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकल, ये ऐसे ही रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बता, जल्दी करिए, हो गया डन। कमेंट करके बताइए अगर कहीं कुछ डाउट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चे, ठीक है, जिससे कि अगला वीडियो जल्दी आपको मिल। YouTube पर बिल्कुल फ्री पढ़ने के लिए आप PVR स्टडी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अगली क्लास देखिए, ठीक है। कमेंट करिए, कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताइए कि मुझे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन चौथा जानना है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन का जानना है, आपको कौन सा जानना है, आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नहीं बताते, ध्यान रहे, व्हाट्सएप नंबर सिर्फ क्लास के बारे में जानकारी के लिए, अगर क्वेश्चन पूछना है नंबर में नहीं, नीचे कमेंट करो, सब बताएंगे, एक्सरसाइज बताओ और क्वेश्चन नंबर बताओ।